बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उन्हें ना तो प्रशासन का कोई खौफ है और ना ही विधि व्यवस्था का कोई डर। कभी भू माफियाओं को तो कभी शिक्षक और पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामले में भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत ईश्वर नगर में 50 की संख्या में अपराधी पहुंचे और एक घर में घुसकर ईंट पत्थर चलाते हुए हथियार के बल पर घर वालों को बाहर निकाल दिया। वहीं उनके घरों के सामान को भी छत विछत कर दिया। देखते देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस भगदड़ में कई लोग चोटिल भी हुए। कई लोग अपराधियों की भय से जान बचाकर किसी तरह वहां से भागे। मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित लोगों ने बताया कि जमीन का मामला कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन आज अमीन जमीन मापी करके गए तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हम लोगों के साथ पीट की गई और छीन छोर किया गया। साथ ही घर में जो नगद और जेवरात रखे हुए थे उसे भी लूट कर फरार हो गए। वहीं इसाकचक थाने पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को सारी घटना की जानकारी थी, फिर भी इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, यह कहीं से सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में वरीय पदाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर इसी तरह बिहार जंगल राज की ओर अग्रसर होता रहेगा। नहीं है क्या जमीन का अमीन आया, सब चीज किया, सब चीज सही निकला, सब चीज सही हो गया वो हाँ हम सबका सबूत भी है और उसको कागज तागज सब जमा कर दिए, सब चीज दे दिए। उसके बाद वो 50 लड़का लेके आया जिसका जमीन था, वो लेके आया बोला 5 लाख रुपया हम थाना में इसाकचक थाना में दिए हुए हैं, हम बमबाजी सब चीज करेंगे, फायरिंग भी किया हुआ है। 5 लाख और यहाँ तक अधभर चलाया, जेवर जेवरात सब लूटा। हाँ, पुलिस भी कुछ नहीं कर सका, इसाकचक थाना वाला पुलिस आई थी न, पुलिस जाने के बाद उसके जाने के बाद ये घटना हुआ। वो भोला पुल तक गया भी नहीं होगा, ऐसा घटना किया 50 लड़का के साथ। एक बैग वही जब नापी उपी करके सर सरकारी अमीन जो गया सर के भी किया, उसके बाद लगले बोला कि जो होगा देख लेंगे, तुमको क्या थाना पुलिस सब समय पॉकेट में ऐसे ऐसे बोला सर पॉकेट में रखते हैं। बिट्टू दुबे, आकाश घोष और बिट्टू कुमार पड़ता है सर जीछो का, सुभाष यादव का बेटा, ये सब इतना सर अंजाम। और 50 अपराधी लेके आया सर, तरवाल सामान जो होता है सर सब कुछ लेके, एक बार सिलेंडर चूल्हा तटिया फकरी यदुवंश राज की कहे छे नाम बोलो ना दुबे बिक्कू दबे त पहिना आया 10-15 तो ऐसे घूर को चला गया, फिर आया पुलिस का साथ, फिर को सारा पुलिस का साथ आया। नहीं तो हम दीदी को बोले और बक्सलवा भैया को कि समूह नहीं दीदी वो सब कन्फर्म कुछ नहीं किया, वो सब गया भोला नाथ का पुल नहीं टपा, हमारा घर का बेटी का और बेग का कि कैसे मोम का टीका था नाथ था, बेटी का दुआ कौन का था, पुताओ का था, हाथ का पौची था, गोड़ का पायल था, इसलिए 20,000 सिलेंडर 5 लाख रुपए रंगदारी दो, 3 गो गैस था, वो 5 लाख टका 15 दिन से मांग रहा है ऐसे रंगदारी रंगबाजी दो। जब देखता है, मेरा नाम रघुवंश राज यादव है, बिक्कू दुबे, आकाश घोष, हाँ मोंटी कुमार, सौरभ कुमार, बिट्टू यादव, सुभाष यादव का बेटा, इस सब ने मिल करके 5 लाख रुपया रंगदारी आज 1-1.5 महीना पहले से मांग रहा है। जमीन पे रहने के इस जमीन पर 5 लाख रुपया रंगदारी दो, नहीं रंगदारी दोगे तो तुम खाली करो। जो जमीन इसके नाम पर 1-1.5 महीना पहले आया, हम इसाकचक थाना को फोन किए परवारी को, इसाकचक थाना आया, इधर उधर भाग गया, बोला कल थाना पे आओ, वो लोग थाना पे नहीं गया, हम लोग थाना पे गए, हम और मेरा पिताजी, वो लोग नहीं पहुँचा। अचानक आज सरकारी अमीन अंचल से लेकर के सरकारी अमीन अंचल से लेकर के आया और बोला कि मेरा ज़मीन है ऐसे है उसे है, सरकारी अमीन बोला और पदाधिकारी बोला कागज दिखाओ, हमने अपना सब कुछ कागज के वाला रसीद, नगर निगम का रसीद, एग्रीमेंट का कागज, एग्रीमेंट पेपर, सभी कागज हम दिखाए, सरकारी अमीन नापी कराया किया यहाँ वहाँ, मेरा ज़मीन जो था वही पूरा। उसके बाद वो दोनों पार्टी से दस्तखत करा के गया, वो लोग गया बस विसरी स्थान थोड़ा दूर आगे गया, बोला आज का घटना है, आज बोला वो लोग गया बोला हम लोग 5 लाख थाना में दिए हैं।
आपकी रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए लुक्स सलोन भागलपुर है तैयार। इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें लुक्स सलोन के साथ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक्स सलोन, जिसका स्टोर अब भागलपुर में भी खुल चुका है, में मिल रही है भारी छूट और बम्पर ऑफर। जी हाँ, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हाँ, जेंट्स के लिए 650 रूपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 1900 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रूपए में, 1600 रूपए में मिलने वाला हेयर कट बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रूपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 2100 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। मतलब लुक्स सलोन के साथ अभी रक्षाबंधन होगा सबसे खास, तो अभी हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है लुक्स सलोन, डॉक्टर आरपी रोड, खलीफाबाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बीते 16 जुलाई को हुए विवाद का बदला लेने की नीयत से पूरन यादव ने एक अज्ञात युवक के साथ अपने पड़ोसी मीरा देवी पर गोली चला दी, जिसमें महिला बाल बाल बच गई। घटना की सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने घायल महिला मीरा देवी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया, जहां घायल मीरा देवी का इलाज चल रहा है। घायल मीरा देवी ने कहा कि बीते 16 जुलाई को किसी बात को लेकर मेरे पड़ोसी पूरन यादव के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। उक्त मामले की बाद से ही पूरन मारने की फिराक में था। आज जैसे ही हम और मेरे देवर खेत में धान की रोपनी करवा कर खाना लेने घर आए, तभी उक्त लोगों के द्वारा गोली चला दी गई। हालांकि कोई घटना नहीं हुई। मधुसूदनपुर थानेदार को सूचना मिली है, मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस कई अन्य बिंदुओं पर जाँच में जुड़ गई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज स्थित महिला विंग में छात्राओं के लिए 3 व्यवसायिक कोर्सों की शुरुआत आज से कर दी गई, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग कोर्स 6 महीने का होगा, सर्टिफिकेट कोर्स ब्यूटी और वेलनेस 6 माह का होगा, वहीं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स 1 साल का होगा, जिसका आज विधिवत उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कॉलेज की शिक्षक और कर्मचारियों के साथ साथ छात्राओं ने कार्यक्रम में शिरकत किया। कुलपति ने बताया कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में यह तीनों कोर्स पहली बार शुरू किया जा रहा है। इसका फायदा बच्चियों को होगा और वो अपने पैरों पर आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती हैं और स्वावलंबी बन सकती हैं। आज मुख्य रूप से फैशन डिजाइनिंग कोर्स और ब्यूटी एंड वेलनेस और एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग, 3 कोर्स का शुरुआत जो है आज किया जा रहा है। लेकिन और भी कोर्सेज इसको परमिशन दिए गए हैं जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में स्टार्ट होगा। विश्वविद्यालय में यह पहली बार शुरुआत हो रही है? हाँ, पहली बार है, पहली बार। और इसकी सभी जगह से सिंडिकेट से, सीनेट से, एकेडमिक काउंसिल से, सभी से मान्यता ली है। भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड के अब्जूगंज कुमेठा स्टेट हाईवे के आजाद नगर के समीप कमलाकांत चौधरी की पोखर के पास सड़क में एक बड़ी सुरंग बन गई है, जिस कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ रास्ते में गुजरने वाले कांवरिया श्रद्धालु भी काफी भयभीत है। हम आपको बता दें, सावन का पवित्र माह चल रहा है। देश विदेश से हजारों कांवरिया प्रतिदिन सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से आस्था की डुबकी लगाकर पैदल और वाहनों के सहारे देवघर की ओर
रवाना हो रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सुल्तानगंज से बौद्धधाम पैदल जाने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बंगाल झारखंड सहित पूर्वी भारत से चार पहिया वाहन से आने वाले शिव भक्तों के लिए यातायात को लेकर अब्जूगंज कुमेठा होकर ही परिचालन की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरह अब्जूगंज कुमेठा स्टेट हाईवे के आजाद नगर के समीप बड़ा सुरंग बन गया है, उससे कांवरिया श्रद्धालु परेशान है। उनका कहना है कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत का काम कराए। विराट गड्ढा हुआ है यहाँ, ये नीचे में तो कोई कुछ नहीं है यार, एकदम खाली है, तो कोई गाड़ी गिरेगा तो आउटलाइन हो जाएगा। देखा तो बहुत बड़ा गड्ढा है, गड्ढा में तो नीच में जो सुरंग है, सुरंग जो सुरंग हिंदी नहीं बोलता है ना, बोलिए ना, जो যে গর্ত যে আছে না, গর্তটা যদি ড্রাইভে যায় গাড়ি যখন তখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে এটা আর কি। এই সড়ক তো অন্দর সে পুরা খোল হো গয়া হ্যাঁ পুরা, আমি জাদা সে জাদা গাড়ি আয়েগা তো এ ধস যায়গা অন্দর, গাড়ি সমেত আর বম সমেত ধস যায়গা অন্দর। সব হম ওয়েস্ট বেঙ্গল আলিপুরদুয়ার সামুকতলা সে ক্যা দেখে ইয়াহাঁ পে এক রাস্তে মে সুরঙ্গ হুয়া হ্যায়, বহুত বড়া বহুত রিক্স হ্যায়, ইয়াহাঁ জল্দ সে জল্দ ঠিক করনা পড়েগা ইয়ে। मतलब कोई भी घटना, हाँ घटना हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है यहाँ पे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएम और एसएसपी के द्वारा एक बैठक की गई। परीक्षा को लेकर जिले में 46 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस परीक्षा में 22,155 विद्यार्थी 3 दिनों की परीक्षा में हिस्सा लेंगे। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में पहली बार परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सभी केंद्र अधीक्षक और मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए जाने की बात कही गई है, जिससे कहीं से भी कोई त्रुटि न रह जाए और परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा सके। वहीं डीएम और एसएसपी के द्वारा परीक्षा के दौरान किस तरह से परीक्षा कंडक्ट करना है, इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। भागलपुर में एक तरफ जहां गंगा और कोसी का जलस्तर तेजी से घटता जा रहा है, वहीं जलस्तर के घटने से कई घटनाएं भी सामने आ रही है। इसका मुख्य कारण है गड्ढों में पानी भरा रहना या फिर घटते हुए गंगा की तेज धार। इसके चलते भागलपुर के 3 घाटों पर किशोरों की मौत का मामला सामने आया है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में 3 अलग अलग गंगा घाट में डूबने से 4 किशोर की मौत हो गई। बजलेश्वर धाम में जलार्पण के लिए गंगा जल भरने के लिए गए किशोर की गंगा में डूबने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक को बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों किशोर के शव को स्थानीय गोताखोर द्वारा निकाला गया। मृतक किशोर में आलियाबाद निवासी बिंदेश्वरी सिंह का पुत्र शैलेंद्र कुमार व झंडापुर निवासी डब्लू यादव का पुत्र प्रशांत कुमार है, जो कि इंटर का छात्र भी है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दूसरा मृतक प्रशांत दयालपुर उच्च विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र है। प्रशांत 2 भाइयों में छोटा था। गंगा में किशोर के डूबने के बाद जयरामपुर के सीओ बलराम प्रसाद, थाना राजकुमार सिंह, दरोगा मुकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग घाट पर पहुंचे और दोनों किशोर के शव को स्थानीय सीएससी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों किशोरों को मृत घोषित कर दिया। घटना कैसे हुआ? ये घटना 2:30 बजे रात में 5-7 को बच्चा गया नहाने के लिए, तो नहाने के क्रम में वो लोग कोई नहीं बताया। सुबह 11 बजे सिकंदर का बेटा जो है वो बताया गया कि इसी का लड़का वहाँ डूब गया है। तो हम लोग उनको लेकर के फिर चले जहाज घाट गंगा से, वहाँ जाके देखें तो खोजबीन किए तो हम लोग को बड़ी उपलब्ध होगी। मृतक का क्या नाम है? मृतक का प्रिंस कुमार है। उम्र कितना होगा? 13 के आसपास होगा। उनके पिताजी का नाम? पंकज सिंह है। उनके माताजी का नाम? माताजी का नाम तो हमको पूछना होगा सर। घर कहाँ होगा? घर तो सतियारा होगा, भवनपुर सतियारा।